हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। के हाल चाल सारे हैं, कहता हूँ आप लोग जैसे भी होंगे सही होंगे और कोरोना से बच के रहोगे। तो यार पहले तो मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही होगी। तो वैसे आज है विशाल का जन्मदिन, तो उसके लिए केक लेने आए हैं हम तो अभी वो रुके हैं जिमीदारा में सभी, तो हम उसके लिए केक लेने आए हैं यहाँ पे। और उसके लिए केक वाला, तो उसके लिए हम केक लेंगे यहाँ से। और जिमीदारा में वो वेट कर रहे हैं हमारा, तो केक लेंगे, फिर केक कटिंग होगी तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो वैसे ब्लॉग ना आने के रीज़न थोड़े ऐसे थे कि मेरा खुद का मन ही नहीं था ब्लॉग बनाने का, तो इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ था। तो आज विशाल का जन्मदिन था, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना ही देते हैं। वैसे ही कपड़ों में आ गए हम घर वालों में ही, तो देख सकते हो आप। तो हमें इतनी ज़्यादा शर्म नहीं करते कि घर वालों कपड़ों में ही आ गए, धंधे में पैसा मैटर करता आजकल। कोई ना, अभी केक लेते हैं यहाँ से और चलते हैं, और बाइक लेके हैं हम साथ में अपनी वाली में। ऐसे घर वालों से चोरी चुपके ही आ गए हैं बाहर से, तो अभी ईशान भी है साथ में, साथ में केक ले लिया हमने अभी। तो अभी हम जा रहे हैं जिमीदारा, तो फिर आपको जाके मिलते हैं उधर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जिमीदारा में, वो अपनी पलटन बैठी है सामने। आधा घंटा हो गया नान के लिए बोलने में, ऑर्डर दिए हुए लेकिन अभी तक नान नहीं आए हमारे। तो सभी इंतजार ही कर रहे हैं नान के लिए, देखते हैं कब तक आते हैं। यार ऑर्डर नहीं पूरा हो रहा इनसे, हम मम्मी सूखी दाल ही खाई जा रही है। मैं दो दिन के बाद आज विशाल की बर्थडे पार्टी में खाना खा रहा हूँ, जो कि मैंने 15 ना और 6 उनके साथ ही अभी चार आने वाले हैं। एजे वाला घंटा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर कम से कम भी 25 नान खा चुका है, चटनी भी मेरी खा गया, पानी पी गया मेरा। सबसे ज़्यादा तूने ही खाया है पहले वाले, तो नान इन्होंने खत्म कर दिए, अभी फिर से मंगवाए हैं। पहले उन्होंने इनको पानी वाली बोतलें पैसे वाली दी, ये लाने लगे हमारा बजट तो देखो, हमारी हालत तो देखो, पानी लाओ उन्हें यार। तो बजट बेशक लो है हमारा, लेकिन बंदे लो तो बच्चा बना कर लेके आए हैं। और देखो अब कौन है हमारे साथ भाई, तेरा तो नंबर ही नहीं था, तू ऐसे आ गया आगे बोल रहा है कि मेरा नंबर नहीं था। ओए ये तो ग्रां तक आ मोए ताली रोटी खंदा जे जन्मदिन है काफी ना बेस की नाली सारी हुई यार। और जो ब्लॉग बना रहा है ये सबसे बड़ा बुकड़ा है, इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखाता। चेहरा मेरा देख सकते हो, मैंने इतना ज्यादा कुछ खाया नहीं है, बस दो नान ही खाए हैं अभी तक। दो नान नहीं, 15 नान जी, और दो त्रै खाते हो जदा कर लिया लेने सब। तो सारा प्याज आया उधर लेके एक साइड, तो यार फाइनली हम आ चुके हैं जिमीदारा से बाहर। तो अभी बाइक चला रहा है कन्हैया, और हम दोनों मैं और अबे बैठे हैं पीछे, और इन्होंने उधर, इन्होंने नहीं और दूसरे थे जो तीन चार बंदे, ईशान ईशम और जानू तो महाड़ा भाई, हमने जितने नान खाए होंगे लेकिन वो उसने तो सुबह से रोटी नहीं खाई थी, पूरी जो पटास है वो उसने उधर निकाली भाई। ऐसे भी जब गाँव में कहीं किसी के घर में भंडारा शंडारा होता है तो जानू 3 दिन पहले ही खाना छोड़ देता है, वो तो बात, वो उसकी खासियत है उसकी। तो वैसे जानू बुरा लड़का नहीं है हमारा, यार है, दोस्त है भाई है अपना प्यार करते हैं, नीचे से हम उसके चाचा लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर लेकिन है उखड़ वो कोई नहीं। वैसे ये
इसकी वीडियो में डाल दूंगा तो आप देख लेना कौन है ज्यादा उसमें ज्यादा मुखड़ जो भी इधर बोल रहा है बकवास कर रहा है नहीं तो हम 70 माइल ही खरीद लेते आधा कोई चक्कर नहीं उसमें तो मतलब अभी सब सबकी नौकरी लगी नहीं है अभी तो स्टूडेंट लाइफ ही है तो फिर भी थोड़ा पैसों का जुगाड़ जुगाड़ करके हमने फिर भी पार्टी की है जिम्मेदारा में ऐसा कोई सीन नहीं है बाकी गाइस आपका प्यार ही हमें पैसे दिलवाएगा अगर आप हमारी वीडियो सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करोगे शेयर हाँ यार क्योंकि कमेंट करोगे तो तभी हमें थोड़ा जिगरा होता है जिगरा घर वाले भी सपोर्ट करेंगे ठीक ही कि अगर इसकी वीडियो पे 1K या 2K 5K 10K इतने इतने लाइक वगैरह शेयर आ रहे हैं तभी तो घर वाले इसको वीडियो बनाने देंगे तो नहीं तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो नहीं तो हमारा नहीं तो हमारा जंगी पा इसको मार देगा किसी दिन ये नहीं कटिया जंगी पा नहीं कटिया साले एह कहना मशहूर होना ही तो बस यही है अभी उधर रंग काला ही होना यार तू बड़ी भाई आंखें नहीं खुल रही तो बात क्या थी बात आई थी हमने मंगवाया था पनीर दो प्याजा और मशरूम दो प्याजा या तो मंगवाए थे और नान वगैरह और दाल थी दाल मखनी तो सब्जी तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दी तो उसके लिए कभी लड़ रहे थे कोई दूसरे बंदे की प्लेट से ले रहा था सब्जी तो कोई दूसरे की वजह से कोई ना इस बार ही उसका जन्मदिन पैसे थे हमारे पास ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे फिर भी थोड़ा अपना बजट के हिसाब से चलना चाहिए तो बस अभी खा पी के हम बस अभी घर की ओर जा रहे हैं तो ब्लॉग बनाने का ये पहला रीज़न था कि ब्लॉग बहुत दिन के बाद आ रहा है शायद 12-13 दिन के बाद आएगा ये ब्लॉग तो रीज़न ये है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ घूमने तो गर्मी हूँ अभी गर्मी भी है बहुत ज़्यादा ऊपर से और वैसे भी अभी घर में शादी आने वाली है पर उसके ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे तो भाई अगला ब्लॉग हम कठुए में बनाएंगे कठुए जाएंगे ड्रीमलैंड उधर बनाएंगे ब्लॉग अभी घर में जाएंगे तो बनाएंगे पक्का ब्लॉग और पहले तो हमने लड़के की शादी पूरी कवर की थी तो ये हम लड़की की शादी के ब्लॉग बनाएंगे पूरे जो भी रीति रिवाज होते हैं डोगरी डोगरों के तो वो कवर करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आएंगे तो अब भी होगी शादी तो बनाएंगे हम पक्का अब बहन की भी होगी ना हाँ तो बनाएंगे फिर बस अभी खा पी के निकल रहे हैं और जो हमारे साथ बंदे थे वो आगे चले गए हैं और हम अभी जा रहे हैं मैं आप पे और कन्हैया है साथ में तो इसको तो देखा ही होगा आपने प्राधा प्लाट है तो भाई का प्लाट है उस वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा मैगी वाले में बस ये शायद पहली बार ही आपको देखा होगा ब्लॉग में बस अभी पहुंच गए हैं कहाँ पहुँचे हैं बंदराली बंदराली हाँ बंदराली पहुंच गए हैं तो बस घर पहुंचते ही मैं करूंगा एडिट और चढ़ा दूंगा ब्लॉग ये लगा सामने बोर्ड अगर किसी को अभी सोलर लगवाने में कोई इंटरेस्ट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो उस पर कॉल कर लेना और बाकी ये हमारे दुकान के मालिक बैठे हैं यहाँ पे तो ये उनके असिस्टेंट है तो बस अभी आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे मेरे को तो ये वाला ब्लॉग हो गया खाके बेले अभी देखो इसकी तरफ अभी सभी खाके बेले हो गया खा रहे यार सबसे ज़्यादा इसलिए नहीं खाया है